अच्छा यासिर भाई ऐसा बताएं मुझे, एक बात बताएं आप, आपने एक प्लेयर से शर्त लगाई कि जब तक तुम सेंचुरी नहीं बनाओगे मैं तुम्हें बड़ा प्लेयर नहीं मानूंगा, और फिर उसने उसी मैच में सेंचुरी बना दी, बड़ा प्लेयर बन गया। कौन थे वो? रिजवान। उस दिन के बाद से वो सेंचुरियां बना रहे हैं, स्कोर अच्छा कर रहे हैं। कराची में था मैच, टेस्ट मैच था, और तो सुबह हम जब गाड़ी में बैठे तो कोई बात ऐसी हुई, तो मैंने उनको कहा मैं तब तक आपको बैट्समैन नहीं मानता जब तक आप सेंचुरी नहीं करोगे, टेस्ट में सेंचुरी नहीं थी। तो उसने मुझे ऐसे देखा, उसने कुछ नहीं कहा, उसी दिन उसने सेंचुरी की। तो आप ये काम प्रोफेशनली शुरू क्यों नहीं कर देते? लोग जाके बोले जब तक बुरा नहीं तब तक नहीं सेंचुरी मारोगे, लोग बनाना शुरू कर देते, क्यों नहीं दुकान लगा लिए, हाँ भाई सेंचुरी लगा लो, ऐसा शुरू करें। कौन है इस टूर्नामेंट में जो एक बैट्समैन उभर के आ रहा है? साई मयूर, उसके बारे में रजाक भी थोड़ी बात करेंगे कि क्या लगता है फ्यूचर अभी, इज इट टू अर्ली कि हम उन्हें कहेंगे जी नेशनल टीम में आ जाना चाहिए, यू थिंक अब वो पोटेंशियल शो कर चुके हैं उसे नेशनल टीम में आना चाहिए? देखिए ताबिश भाई, पता है क्या, हमारी प्रॉब्लम यही चलती आ रही है कि एक परफॉर्मेंस पे हम ना बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, जो प्लेयर का ना मेंटली लेवल वो हम डिस्टर्ब कर देते हैं, वो समझता है कि मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ। उसको टाइम देना चाहिए, अगर वो अच्छा प्लेयर है, टैलेंटेड है, परफॉर्म कर रहा है तो नहीं रुक सकता, ये एक नेचुरली चीज है, उसको सपोर्ट करें, उसको बिल्कुल फोकस होने दे क्रिकेट पे, क्योंकि हम एक परफॉर्मेंस पे हमारे इतनी वो यूट्यूब पे कोई इंटरव्यू चलने शुरू हो जाते हैं, कुछ चैनलों पे चलना शुरू हो जाते हैं, हमें जी वो सही धर्म मिल गया, हमें वो मिल गया, तो क्या होता है वो स्पॉइल हो जाता है। जैसे धानी आए तो इन्होंने कहा कि जी वो हमें पता नहीं क्या मिल गया, तो उसके बाद देखिए उसका ग्राफ इतना डाउन हो चुका हुआ है कि उसकी परफॉर्मेंस कहीं नजर ही नहीं आ जाती, या अनफिट हो जाता है या खेलता नहीं, ठीक है, या मिठाई बांटता और देख लेते।